और 10 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। झारखंड राज्य स्टूडेंट्स यूनियन ने यह ऐलान किया है। बताएं आपको कि 740 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और बंद से पहले यानी कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। ऑक्सीजन पार्क में बैठक के बाद छात्र संगठनों ने यह फैसला लिया है। तो बंद से पहले 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे छात्र संगठन। ऑक्सीजन पार्क में बैठक के बाद छात्र संगठनों ने यह फैसला लिया है। 10 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान किया है छात्र संगठनों ने। झारखंड राज्य स्टूडेंट्स यूनियन ने यह ऐलान किया है। 740 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड बंद का आह्वान किया है छात्र संगठनों ने। तानाशाही रवैया के तहत हम लोग पे हर दमनकारी नीति अपनाते हुए हम लोग पे झूठा FIR किया। लाठी डंटा गोली सब तरह से साजिश और षड्यंत्र अपनाया गया, लेकिन छात्र हित में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आगामी 8 अप्रैल को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और 8 अप्रैल को यही मोराबादी मैदान में पूरे राज्य भर के छात्र जुटेंगे और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। चूंकि छात्र लोग को कोई पार्टी और पॉलिटिक्स का गेम खेलने नहीं आता है, पार्टी और पॉलिटिक्स का गेम खेलने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को आता है। तानाशाही और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, नियोजन नीति के खिलाफ छात्र एकजुट नजर आ रहे हैं। संथाल की अगर बात करें तो 2 दिन पहले संथाल को बंद रखा गया था, मिला जुला असर दिखा था। अब छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है 10 अप्रैल को। ऐसी समस्या है जिसमें मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर आकर और इसका कोई ना कोई सर्वमान्य हल खोजना होगा, नहीं तो ऐसे ही विवाद होते रहेंगे, ऐसे ही हंगामा होता रहेगा। देखिए, मैं बार बार जब कभी आपसे लाइव में जुटता हूँ एक बात कहता हूँ कि झारखंड किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है। यहाँ की सभा 3 करोड़ जनता यदि झारखंड में रहती है तो तमाम लोगों का यह अधिकार है कि यह राज्य सुरक्षित रहे, यह राज्य विकसित हो। लेकिन कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिस पर ना चाहते हुए हंगामा हो जाता है। हालिया मुद्दा देखें जो 7 नियोजन नीति का है। जाहिर सी बात है, जो झारखंड के निवासी हैं, जो शुरू से झारखंड में रहते हैं, वो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी पर उनका अधिकार बनता है। ये कहीं ऐसी बात नहीं है कि ये कहीं से अचानक से कोई ऐसी बात है जिस पर ये मांगे हो रही है। आप पड़ोसी राज्य बिहार की बात करेंगे, वहां जब कभी नियुक्तियां निकलती हैं, साफ लिखा होता है कि आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। फिर झारखंड में ऐसा क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, छात्र संगठनों का गुस्सा बेजा नहीं है, उसको यह कहकर आप इग्नोर नहीं कर सकती कि छात्रों का गुस्सा एक प्रकार से सरकार के खिलाफ गुस्सा है। आज जब तमाम छात्र संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कह रहा था कि मेरी लड़ाई ना तो हेमंत सोरेन से है, ना तो मेरी लड़ाई रघुवर दास से है, ना अर्जुन मुंडा से है, ना नरेंद्र मोदी से है। मैं चाहता हूं, यानी कि छात्र संगठन चाहता है कि ऐसी नियोजन नीति बने जिसमें झारखंड के रहने वाले लोगों को प्राथमिकता मिले। ये सही बात है, यदि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी पर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोग आ जाएंगे तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? मुझे लगता है कि 10 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा छात्र संगठन ने किया है, लेकिन उसके पहले राज्य सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी। हो सकता है छात्र संगठनों को बुलाकर बातचीत करे। और कई बार होता यह है कि आप किसी मुद्दे को टालेंगे तो वो पूरी तरह से, कहा जाता है कि फुंसी को बहुत देर छोड़ दिया जाए तो वो फोड़े का रूप ले लेता है। इससे पहले जब छात्र संगठनों ने पिछली बार बजट सत्र के पहले विधानसभा का घेराव किया था, उस वक्त न्यूज 11 का संवाददाता वहां मौजूद था। उस जगह पर केंद्र के राज्य के मंत्री लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू, विनोद सिंह भाकपा माले के विधायक सहित कई लोग आए थे
और उन्हें कहा था कि 15 दिनों के भीतर हम नई नियोजन नीति लाकर देंगे। जाहिर सी बात है उस वक्त इस विवाद को टालने की कोशिश हुई थी, कहा यह जाता, बोला यह जाता कि हम छात्र संगठनों को विश्वास में लेकर एक बैठक करेंगे, कैसी नियोजन नीति होनी चाहिए जिस पर सबकी सहमति बनी, तब ये मामला होता। होता यह है कि कोई विवाद यदि आता है सड़कों पर सामने तो उसको तुरंत से निपटाने के लिए कई बार ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं जिसको पूरा करना संभव नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है सुदीप कुमार सोनू से पूछा जाना चाहिए, जब उन्होंने 15 दिनों में नियोजन नीति बनाने की बात कही थी, किसके इशारे पर उन्होंने ये बात कही थी और यदि कहा था तो बना क्यों नहीं। जाहिर सी बात है झारखंड के छात्र संगठनों में गुस्सा है और गुस्सा इसलिए भी है कि यदि एक प्रकार से कहा जा रहा, हालांकि सामने चीजें नहीं आई है कि 60-40 के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, यानी कि 60% यहाँ के लोगों के लिए और 40% ओपन होगा। जाहिर सी बात है गुस्सा है। 10 अप्रैल को झारखंड बंद से पहले 8 अप्रैल को तमाम छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया है। मतलब यह कि उस दिन हंगामे होंगे झारखंड के राजधानी रांची में। किस प्रकार का हंगामा होता है, क्या प्रशासन के लोग, सरकार में बैठे लोग आगे आकर छात्र संगठनों से बात करते हैं, इसका कोई हल निकलता है, फिलहाल देखना होगा। राजदा बिल्कुल अजय, जिस तरीके से सरकार 60-40 फॉर्मूले पर चाहती है नियोजन नीति, स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ के जो स्थानीय वहाँ उनकी बात करें, वो 90-10 के फॉर्मूले पर चाहती है। अगर सरकार 60-40 पर उनकी जो विजन है वो क्लियर है तो वो स्टूडेंट को क्लियर करने की जरूरत है, स्थानियों को क्लियर करने की जरूरत है, ताकि इस मामले को तूल ना पकड़ा जा सके और जो विजन है सरकार की वो स्पष्ट हो सके। बिल्कुल राजा, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर इमोशनल है, मुझे जानकारी है, वो चाहते हैं कि इसका सर्वमान्य हल निकले। खुद उन्होंने विधानसभा में 1932 के खात्यान पर कहा था कि इसे हम लागू करेंगे, कुछ टेक्निकल अड़चने आ गई, कुछ कानूनी पेचीदगियां आ गई। मुझे लगता है कि छात्र संगठनों को भी कहीं ना कहीं इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो राज्य के मुखिया है, 3.25 करोड़ जनता के वो कस्टोडियन माने जाते हैं। छात्र संगठनों को चाहिए कि वो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर पहल करें, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करें, अपने फैसले के बारे में बताएं वो क्या चाहते हैं। यदि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इग्नोरेंस जैसी बात आती है तब बात समझ में आती है कि आप झारखंड बंद करें, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें। देखिए इस मुद्दे का हल टकराव से नहीं हो सकता, इस मुद्दे का हल आक्रोश से नहीं हो सकता, इस मुद्दे का हल किसी गुस्से से नहीं हो सकता, लेकिन छात्र संगठनों का ये अपनी राय है, उनका फैसला है, इसमें हम और आप सवाल उठाने वाले कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 8 अप्रैल और 10 अप्रैल दो तारीखें ऐसी होंगी जब राजधानी रांची डिस्टर्ब होगा, और संथाल में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां छात्र संगठनों का गुस्सा था। हालांकि किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, सरकारी संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन छात्रों का गुस्सा आज इस बाबत भी दिखाई पड़ा कि जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कई असंसदीय भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया जिसकी चर्चा करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं आपका ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि यदि किसी खेमे में कहीं कोई गुस्सा है, कोई आक्रोश है, तो आप लोगों को आमंत्रित करें, राउंड द टेबल बात करें। मुख्यमंत्री को चाहिए कि छात्र संगठनों को बुलाए, अपना बड़ा दिल दिखाए कि छात्र संगठनों का गुस्सा आखिर क्यों है और सरकार क्या सोच रखती है। 60-40 का मुद्दा अभी पर्दे के पीछे से चल रहा है, क्या सरकार ने ऐसा सोचा है, क्या ये इंप्लीमेंट होगा, ये अभी बात की बात है, लेकिन हवा इस प्रकार से बन गई है जिससे छात्र संगठनों को लगता है कि झारखंडी युवकों का अधिकार, उनका जो डिमांड है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगी। और इसी बाबत आज लोगों ने बैठक की थी, बाद में मीडिया से बात की और मीडिया के बातचीत में दो फैसले आए, 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव यानी कि हंगामा, फिर 10 अप्रैल को झारखंड बंद, यानी कि ना चाहते हुए भी अपने आप को सावधान रहना होगा।
तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, आज 2 अप्रैल है, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 8 दिनों का वक्त है। सरकार आगे आकर यदि मुख्यमंत्री ना भी चाहे तो अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से छात्र संगठनों को बुलाए, बैठक करें, क्या छात्र चाहते हैं, एक टाइम छात्र संगठनों को सरकार दे सकती है कि आप धैर्य रखें, आपके हितों की अनदेखी नहीं होगी। ऐसे ही सरकारें चला करती हैं, ऐसे ही देश चलता है, ऐसे ही राज चलता है। आप किसी बात को इग्नोर करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपको किसी के गुस्से, किसी के आक्रोश की परवाह नहीं है, तब ये आग और भड़केगी राजदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो अब छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का ऐलान किया है और 10 अप्रैल को झारखंड बंद की बात कही है इन्होंने। उससे पहले 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी बात कही है छात्र संगठनों ने। बताया आपको कि नियोजन नीति के खिलाफ 740 के खिलाफ यह आंदोलन है छात्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।